तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाली जो फिजिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है इस टॉपिक का। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन की। देखो, डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है वो होता है ये dy/dx। ठीक है, और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब y किस तरह से x के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, रूल नंबर वन, देखो अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर c डिनोट कर रहा है कॉन्स्टेंट को, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx ज़ीरो। मतलब आप ये कह सकते हो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, अगर y इज इक्वल टू 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो वो भी होगा ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए क्योंकि 2 एक कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, हम पढ़ चुके हैं। अब अगर y इज इक्वल टू पाई है तो इसका भी डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा क्योंकि पाई भी तो एक कॉन्स्टेंट है, मानते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 देखते हैं। देखो, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। मतलब n को तो आगे ले आओगे फिर पावर में n माइनस वन कर दोगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल क्या कहता है, dy/dx। देखो x की पावर 5 दे रखा है तो 5 क्या हो गया n, तो ये वाला रूल क्या कहता है, n को तो आगे ले आओगे यहाँ पर और पावर में n माइनस वन कर दोगे, तो 5 को आगे ले आओ और पावर में 5 माइनस वन कर दो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5x/4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, y = x/-4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर n क्या है, -4, तो dy/dx क्या होगा वो देखते हैं। देखो n को आगे ले आएंगे तो -4 आगे आ जाएगा और पावर में n माइनस वन कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा -4x/-5। ठीक है, चलिए अब देखो y = 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देखें। देखो क्या 1/x को x^-1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, -1, तो अब आप रूल लगा दोगे किस तरह से कि इसका अगर dy/dx करोगे तो n आगे आ जाएगा, मतलब -1 आगे आ जाएगा और पावर में n-1 कर दोगे, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा -x/-2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर y = 1/√x है तो कैसे करेंगे। देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x^-2। देखो इसको अगर खोलोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, -1/2। अब आप वो वाला रूल आराम से लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये होमवर्क है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बताना। ठीक है, चलिए अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्राइगनोमेट्रिक फंक्शन, कुछ ट्राइगनोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनका डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखो अगर y = sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो होता है cos x। ठीक है, चलिए अगर y = cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -sin x। देखो यहाँ पर निगेटिव आया है, ध्यान रखना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कोज का डिफरेंशिएशन क्या हो गया -sin। चलिए आगे चलते हैं, अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखो 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec²x, ध्यान रखना। ठीक है, अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो होगा sec x * 10x। ठीक है, मतलब 10 का
डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन x, बस याद करना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा निगेटिव cos x स्क्वायर x, देखो यहाँ पर भी निगेटिव आया, ध्यान रखना। फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा निगेटिव कोजेक एक्स डॉट कोट एक्स, देखो यहां पर भी निगेटिव आया है, ठीक है। तो कोट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा निगेटिव कोजेक स्क्वायर एक्स, कोजेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा निगेटिव कोजेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। तो छह ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के रिजल्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अगर y इज इक्वल टू log टू द बेस e x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू 1 e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखो अगर y इज इक्वल टू a की पावर x है, यहां पर a जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log टू द बेस e a, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल देख लीजिए। चलिए अब देखो y इज इक्वल टू 4 की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो a की पावर x एज इट इज लिख दोगे, मतलब 4 की पावर x एज इट इज लिख दोगे इंटू log टू द बेस e में 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो a है और यहाँ पर a है, तो ये जो 4 है ये a हुआ, ठीक है, इसलिए ये log में आया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तीन रूल पढ़ने हैं, एक एडिशन रूल जो बहुत आसान है और आपसे आता है, यू वी रूल जिसका आपको फॉर्मूला याद करना है, यू अपॉन वी मेथड जो कि थोड़ा सा टफ है। चलिए पढ़ते हैं। देखो एडिशन रूल ये क्या कहता है कि अगर y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस e की पावर x प्लस log टू द बेस e x प्लस cos x है, मतलब इस तरह से फंक्शन है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप इंडिविजुअल को डिफ्रेंशिएट कीजिए और ऐड कर दीजिए। देखो मैं बताता हूँ, अगर y इज इक्वल टू इस तरह से कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा 4 x की पावर 3। ये रूल पहला पढ़ा था आपने हमने कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उस रूल से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर प्लस लगा दोगे क्योंकि यहाँ पर प्लस आया है, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है e की पावर x ही, पीछे जाकर देखो हमने पढ़ा है, फिर प्लस log टू द बेस e x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन x, पीछे जाकर देखो हम पढ़ चुके हैं, फिर प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है sin x, क्या सिर्फ sin x होता है, नहीं माइनस भी आएगा, ध्यान से देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव sin x, ठीक है। तो एडिशन रूल यही कहता है कि हर इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करो और ऐड कर दो, ठीक है, जो आपसे आता है और आप करते भी ऐसे हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यू वी मेथड पर। चलो अगर y इज इक्वल टू यू वी है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो अगर y इज इक्वल टू यू वी है तो इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन ये होगा कि एक बार u को एज इट इज लिखो और v का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस v को एज इट इज लिखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब एक बार हमने u को एज इट इज लिखा और v का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर हमने प्लस लगाकर v को एज इट इज लिखा और u का डिफरेंशिएशन कर दिया। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब देखो y इज इक्वल टू x डॉट log टू द बेस e x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो बताना है हमें। चलिए तो देखो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो क्या इस क्वेश्चन को हम यू वी मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो dy अपॉन dx, देखो
एक बार हम क्या करेंगे, x को एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे log को, तो प्लस log टू द बेस e, x को एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे x को। ठीक है, अभी हमने यही तो पढ़ा है कि अगर यू वी टाइप का कोई फंक्शन है तो एक बार u को एज इट इज लिखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस लगाकर v को एज इट इज लिखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। बस वही चीज हमने यहां पर अप्लाई की है। अब चलिए देखो, x तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई log टू द बेस e, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होता है 1 अपॉन x। ठीक है, चलिए फिर प्लस log टू द बेस e, x तो एज इट इज है, इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से x कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस log टू द बेस e x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो u अपॉन v मेथड, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और ध्यान रखना, थोड़ा बच्चा भूल जाता है। चलिए अब देखो, अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v टाइप फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल से इतना होगा, एक लाइन खींचो, ये जो v है वो डिनोमिनेटर में होगा तो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर ऊपर v लिखो और एक बार u का डिफरेंशिएशन कर दो। फिर से मैं दोहराता हूँ, ये जो v है उसको डिनोमिनेटर में लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, फिर v को एज इट इज लिखो, u का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस लगाओ। अब इस बार u को एज इट इज लिखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है। चलिए इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं। अब देखो, अगर y इज इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें बताना है। देखो, इसको हम u मान सकते हैं, इसको हम v मान सकते हैं। चलिए dy अपॉन dx, अब देखो जो डिनोमिनेटर में है उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, फिर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर 5 का, माइनस लगा देंगे, फिर इस बार हम x की पावर 5 को एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब देखो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, e की पावर x तो एज इट इज है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 x की पावर 4, अब यहाँ पर माइनस है, x की पावर 5 तो एज इट इज आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है, अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी e की पावर x है और यहाँ पर भी e की पावर x है और डिनोमिनेटर में भी e की पावर x का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और कुछ फाइनल इस तरह से रिजल्ट बनेगा। देखो ये बनेगा 5 x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 अपॉन e की पावर x, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, तो उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ भी कमी लगती है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस कमी को इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।